कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया, अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित की है, लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं, तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई, जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो ख़राब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। हाँ। इन दो वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित हो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाईकोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अभी हमारी बात चल रही है।